नमस्कार, मैं प्रियेश सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा खास एपिसोड है, खास बातचीत। उसमें हमारे साथ उपस्थित रहेंगे इंजीनियर संतोष सिंह, जो कि पटना के काफ़ी प्रसिद्ध टीचर हैं और मैथमेटिशियन भी है। तो उनसे जानेंगे जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है इंजीनियरिंग का, वो किस प्रकार से होगा, उनके बारे में वो राय देंगे, आप किस प्रकार तैयारी करें। तो चलिए मुलाकात करते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, भेजें लाइक कर को। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे साथ इंजीनियर संतोष सिंह सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आप अपने बारे में कुछ परिचय दें। सर मेरा नाम इंजीनियर संतोष सिंह है और हम पटना में मैथ पढ़ाते हैं। सर आपका काफ़ी नाम सुने हैं मैथ के तौर पे, आप पटना में काफ़ी नाम है इंजीनियरिंग और मतलब अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं बिहार बोर्ड CBSE का, साइंस का, उसके बारे में आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम कुछ जानकारी जानना चाहेंगे जो एग्ज़ाम होने वाला है 10 का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम बच्चों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और बहुत कम समय बचा है। हम ये सलाह देंगे बच्चों को प्रॉपर वे से तैयारी करें। इतना कम समय में बच्चा किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली अब क्या है कि अब आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए गेस पेपर आ गए हैं। आप गेस पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया हुआ है, आप उसी को एकदम नित्य दिन अच्छा से पढ़िए। कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर भी होते हैं, तो अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग हर चैप्टर का वेटेज होता है, हर चैप्टर के एग्जाम में अपना अपना मार्क्स होते हैं। सर जेई मेन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो एग्जाम हो रहा है इंजीनियरिंग का? देखो, एक्चुअली इस बार क्या है कि पिछले साल से इस बार का जो जेई मेन है कुछ हटके हैं। इसमें हम मैथ में अगर कहना आपको बताएंगे तो पहले क्या था कि आपको पूरा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस मेंस के लिए आते थे, ये अब क्या है कि आपको 30 में से जो है अब क्वेश्चन 25 ही आएगा, और उसमें से भी जो 5 क्वेश्चन आपका होगा वो एडवांस लेवल का होगा। उसमें क्या है कि आपको सॉल्व करके अब आंसर जो होगा आपको इंटीजर लेवल में, इंटीग्रल में होगा, कुछ लिखने के लिए आएगा, और उसमें से जो 20 क्वेश्चन जो आपको बच गए वो क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। तो अब धीरे धीरे एग्जाम काफ़ी टफ होते जा रहे हैं इस बच्चों के लिए। लैंग्वेज का जो समस्या आता है इंग्लिश में दे या हिंदी में दे या इंग्लिश में, वो समस्या के बारे में आपकी क्या रहा है? जो बच्चा बिहार बोर्ड से है तो शुरू से हिंदी है, CBSE है तो इंग्लिश है, ठीक है, लेकिन वो लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इंटर एग्जाम में? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि इंटर एग्जाम में लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है जो बच्चे बिहार बोर्ड से हम लोग के पास आते हैं पढ़ने के लिए। तो स्टार्टिंग में हम लोग 1-2 महीने प्रॉब्लम होती है बच्चों को, हम लोग धीरे 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 1-2 महीना हम प्रयास करते हैं, समझाते हैं, और बच्चे काफ़ी बच्चे सीख भी जाते हैं। 90-100 में से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने शब्दों में आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके मार्क्स पे। जो साइंस है इंटर साइंस, उसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके अनुसार कौन सा हो सकता है? देखिए, साइंस में आप आते हैं तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है। आप नीट में ले लीजिए या IIT JEE में ले लीजिए या बोर्ड्स एग्जाम के ले लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो बच्चा मान लीजिए अभी साइंस में आना चाहते हैं, मतलब जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा है, उसके बारे में आप क्या रहा है, कौन सा विषय और कैसे चुने? एक्चुअली देखिए, ये बहुत अपने कठिन सवाल पूछ दिया, क्योंकि क्या है कि बच्चों अपने अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10th में जिसको मैथ से कोई लगाव नहीं होता है, वो बच्चे अगर मैथ ले लें तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाता है। और साइंस लेना चाहते हैं तो बच्चे के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, क्या उसका बायो में इंटरेस्ट है या उसका आर्ट्स में इंटरेस्ट है या साइंस में इंटरेस्ट है, तो बच्चों पे डिपेंड करता है। एक बात पूछना था, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चा इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो फ्यूचर में क्या बनेंगे, वो 10th पर डिसाइड होता है या 12th पे? नहीं देखिए, एक्चुअली बेसिकली 10th पे ही डिसाइड होता है, क्योंकि 10th के बाद आप एक ऐसे सब्जेक्ट का चयन करते हैं जो आपके लाइफ में बहुत अच्छा रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और 10th के बाद आप +1 +2 आप मैथ्स नहीं लिए, फिर आपका सपना अधूरा हो जाएगा। मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप बायोलॉजी नहीं लिए, फिर आपका सपना अधूरा हो जाएगा। हो सकता है आप CA बनना चाहते हैं, हो सकता है आप IAS IPS बनना चाहते हैं, तो 10th जो बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ के बाद हम पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि आप एक कैरियर काउंसलिंग बच्चों को करवा लीजिए, बच्चों के इंटरेस्ट किस फील्ड में, बच्चे आगे क्या करना चाहते हैं, तब आप 10th के बाद कोर्स का चयन करिए। सर ज़्यादा जाते एक बात हम जानना चाहेंगे, बच्चा का आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी है काफ़ी, मतलब उन लोगों का डर भी होगा फेल होंगे, पास होंगे, कितना नंबर आएगा, तो उसके बारे में क्या उनको कितना पेशेंस रखना चाहिए? देखिए एक्चुअली हम बच्चों की सलाह देना चाहते हैं कि कोई एग्ज़ाम कोई टफ नहीं होते हैं, आपको एग्ज़ाम से बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप एकदम थ्रो आउट मैथ में हम इस पर सलाह देंगे। कुछ चैप्टर होते हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए, जो कि आप देखिएगा ध्यान से कि 5 मार्क्स आपको आने वाले हैं, तो 5 मार्क्स का कुछ सिलेक्टिव चैप्टर होता है, 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप मैथ की जो फार्मूला है उसको आप अच्छा तरह से बनाइए, उसको फार्मूला को रट जाइए। हम कहे तो मार्केट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपका 50 नंबर स्टेट बोर्ड में पूछता है ऑब्जेक्टिव, आप मार्केट से उठाइए, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको ऑब्जेक्टिव को आप एक बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, गेस पेपर का अधिक से अधिक सहारा लीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना टाइम जो है अब मतलब इस एग्ज़ाम पे दीजिए, बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अब आपका बहुत कम समय बचा हुआ है। और
सर जेई मेन का भी एग्जाम होने वाला है, उसका तो थोड़ा बहुत टाइम है बट वो भी जल्दी ही होने वाला है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से तैयारी, क्योंकि बोर्ड का भी एग्जाम है, एक साथ करें या दोनों को अलग करें या पहले बोर्ड का करें? नहीं देखिए, पहले तो मतलब बोर्ड्स का एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम के बाद बच्चे क्या होते हैं, कुछ फ्री हो जाते हैं और उनके पास एक महीना कम से कम समय मिल जाता है कि बच्चे आराम से थोड़ा सा क्रैश कोर्स तैयारी करके उसका एग्जाम दे देते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आप अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज जो है ना ज्वाइन कर लीजिए और अधिक से अधिक आप टेस्ट दीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो हुआ रहेगा। धन्यवाद सर हमारे कार्यक्रम मानने के लिए। धन्यवाद और बच्चों को कंग्रेचुलेशन। जी।